हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि द पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि मैच करे ही। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं द पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। व्हाट डज द पर्सन ऑन योर माइंड थिंक एंड फील अबाउट यू। लेट्स सी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में द मून कार्ड है। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ना, ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इनसे आपकी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, या कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, हो सकता है आपने कुछ बोल दिया या यू नो उन्होंने कुछ बोल दिया आपको। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, ये ऐसे तो नहीं है कि मतलब ये बेवजह ही आपसे लड़ेंगे या यू नो इनके मन में कोई स्ट्रैटेजी थी इसलिए आपसे लड़े। दिस इज समवन जो सही था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो भी पर्सन है ये ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऑनेस्ट है, या आपको लेकर काफ़ी जो भी फीलिंग्स रखते हैं वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका वक्त ज़ाया कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है। नो, दिस इज़ नॉट समवन लाइक दैट। ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। हाँ, इनकी हरकतें ऐसी होती है जहाँ पे ये लड़ना, झगड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेना, नॉन कमिटल एनर्जी ऐसी होती है इनकी। लेकिन डेफिनेटली मेरी मानो तो ये पर्सन सच में बहुत इंटरेस्टेड है आप में, जो कोई भी पर्सन है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया हो, बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव किया हो, नॉन कमिटल जैसा बिहेव किया हो आपके साथ, लेकिन इनका कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा है कि आपको दुख पहुँचाना है, यू नो डिलिबरेटली आपको हर्ट करना है, ऐसा कोई इंटेंशन इनका डेफिनेटली नहीं रहा है। लेकिन इनके तरीके ऐसे होते हैं, बिहेव जैसे करते हैं ना ये पर्सन, वो तरीके इनके बहुत गलत होते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको भी गलत लगते होंगे। हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या हो सकता है आप इनको ऐसे मानते हो जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो नॉन कमिटल है, टाइम पास करता है, लड़ता झगड़ता है मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर वेरी ऑनेस्ट, बस इनका बिहेव करने का तरीका थोड़ा बहुत गलत है। ओके, इनके अंदर एटीट्यूड हो सकता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, यू नो मैं जो बोलूँगा वही सही है, या मैं जो हूँ, मैं जो करूँगा वही सही है, इनका माइंड सेट ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन इनके इंटेंशंस डेफिनेटली गलत नहीं है। ये एरीज हो सकते हैं, मेष राशि, ठीक है। ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, तो एक वो सुपीरियरिटी आ जाती है नेचुरली ही। जिस इंसान के पास सब कुछ हो, उसके पास वो सुपीरियरिटी उसके अंदर आ जाती है, वो ईगो आ जाता है उसके अंदर, जो कि इनके अंदर डेफिनेटली है। लेकिन ये आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, सॉरी गाइस, इनका डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर है आपको लेकर, ये इमोशनल है आपको लेकर, सेंसिटिव है। दुनिया के सामने ये बहुत ही ऐसे बन के घूमते हैं कि भाई मेरे आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए इनके अंदर बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, तो इनके फीलिंग्स को आप जुटला नहीं सकते हो, ठीक है। बस इनका तरीके, मैंने बोला ना, इनका तरीका बहुत गलत है बिहेव करने का, बट ये आपके बिना बहुत ही सैड होते हैं, आपके बिना बहुत ही, मतलब इनकी नींदें उड़ जाती है, बहुत डिप्रेस्ड और बहुत एंशियस और बहुत ही परेशान होते हैं व्हेन दे आर नॉट विथ यू, ठीक है। आपसे जुड़ी हुई हर बात इनको बहुत स्ट्रेस देती है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है ना, तो वो भी खुश नहीं रह पाते, ठीक है। फिलहाल की अगर इनकी एनर्जी देखी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ होते हुए भी ये बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं,
ओके, स्पेशली अगर इन्होंने ही आपसे दूरी बना ली थी, यही आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, दे नॉट हैप्पी। इनके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई और भी हो सकता है जो इनको पसंद करते हैं, या ये किसी और को भी पसंद करने के कर सकते हैं, लेकिन इनके पास आप नहीं हो, एंड दैट इज़ समथिंग जो इनको खुशी नहीं दे रहा है। मतलब लिटरली इनको एक अबैंडन वाली फीलिंग आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको छोड़कर चले गए। और हो भी सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को लिटरली छोड़ दिया या मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो या इनको अपनी ज़िंदगी में चाहते नहीं हो, ठीक है? बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप डेफिनेटली आप दोनों में हुई है। क्योंकि आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना कुछ भी बोल देते हैं, और गलत ही चीज़ें बोल देते हैं जो ये मीन भी नहीं कर रहे होते हैं। मैनी टाइम्स ये ऐसा हुआ होगा कि ये पर्सन इम्पल्सिवली कुछ बोल देते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, इनके दिमाग में 100 बातें होती है और ये ऐसा कुछ बोल देते हैं जो आपके दिल को लग जाती है, गुस्से में या विक्टिम एनर्जी में ये बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं जिसका बाद में इनको बहुत पछतावा होता है। तो अगर इस पर्सन ने कुछ बोला है आपको पास्ट में, उनका उन्हें उस चीज़ का भी बहुत पछतावा हो रहा है। कि यार मैंने क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं चुप भी तो रह सकता था। ठीक है, अभी उन्हें बर्डन फील हो रहा है, अभी उन्हें बहुत ज़्यादा, जैसा होता है ना कि हम किसी को कुछ बोल देते हैं फिर हमें बहुत बुरा लगता है, फिर वो जो बोझ हमारे सिर पे बैठ जाता है ना उस चीज़ का, गिल्ट और रिग्रेट, वो मुझे आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो सबके ऊपर चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्से में है, नाराज़ है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है ये पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम पता है क्या है, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन की। ये जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है, इमेच्योर है, उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, और अगर उम्र में छोटे नहीं है फिर भी मेच्योरिटी लेवल बहुत कम है इस पर्सन की। ठीक है, कई बार ये चीज़ें ऐसी कर देते हैं, बोल देते हैं जो ये जो इनके मन में नहीं होती है लेकिन बोल देते हैं, ठीक है, गुस्से में या इमेच्योरिटी में आकर, इम्पल्सिव होकर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली नहीं लेते हैं रिलेशनशिप की, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको डाउट होता है इस पर्सन के किसी भी इंटेंशन पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इन पे। ठीक है, आपको ये रूड नज़र आते हैं, अग्रेसिव, गुस्से वाले, कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसे नज़र आते हैं, क्योंकि ऐसा बिहेव करते हैं, लाइक लिटरली दे डू दैट। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं या स्कूल कॉलेज में एक साथ थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड मुझे ग्रो हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा है। मे बी पहले आप लोग दोस्त थे, फिर आप लोग लवर बने, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि ग्रेजुअली ग्रो हुआ है ये रिश्ता, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आए हैं। ठीक है, ये गुस्सैल हो गए या ऐसे बिहेव करने लगे जो आपके लिए बहुत नया है, इस पर्सन का ये रूप। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि वो ये रिश्ता चाहते ही नहीं है, वो आपको चाहते ही नहीं है, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, 2 बार इनकी एनर्जी में एम्पेरर की एनर्जी आई है, तो सोचिए आप कितना ईगो होगा इस पर्सन के अंदर, राइट? और इतना ईगो है या इतना ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना इस पर्सन के अंदर, फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें इनके अंदर ना, मुझे लगता है पर्सन एज के हिसाब से ना इनकी बुद्धि नहीं बढ़ी है, जितनी एज है ना इस पर्सन की उतना उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको चाहते नहीं है या इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वो आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है ये पर्सन। ये आपसे उम्र में या तो छोटे हैं या तो ये आपसे उम्र में बड़े, एज गैप मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, अगर ये छोटे हैं तो इस वजह से इमेच्योरिटी है, लेकिन अगर ये बड़े हैं फिर भी मैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी देख रही हूँ, इनको चीज़ें समझ नहीं आती है, चीज़ों की सिवियरिटी इनको समझ में नहीं आती है। ठीक है, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, हंसी मजाक में लेना। ठीक है, इनके एक्शंस भी ऐसे होते हैं ना जो आपको ऐसा फील कराते हैं मानो ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो सच में ऐसा नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। एक काम करते हैं हम ना, वेट अ मिनट,
चलो रूनस रीडिंग करते हैं. अब मैंने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं, अब इन कार्ड्स को मैं ना रून से क्लैरिफाई करूंगी. ठीक है, वाइज नाइट ऑफ वॉन्स हियर, क्यों है नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पे. ओके, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला ये पर्सन डेफिनेटली नॉन कमिटल है. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये हमेशा एक न्यू बिगनिंग को तैयार रहते हैं आपके साथ. ठीक है, इनको ऐसा रिश्ता ख़त्म नहीं करना है आपके साथ. दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू. ठीक है, और ये पर्सन एक्शन लेंगे. अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान एक्शन ही नहीं लेने वाला है, ये मेरे पास आने ही नहीं वाला है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि फिलहाल की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है यहाँ पे. जैसे एक फ्रेश स्टार्ट, जैसे इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ये बदल गए हैं, इनका एक नया जन्म हुआ है जैसे. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं. इनका इंटरेस्ट ज़रा भी ख़त्म नहीं हुआ है आपसे. ठीक है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो अभी भी इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सीरियस है. वाई नाइट ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स योर. ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आई डोंट नो वाई बट फॉर सम रीज़न ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ना ड्रीम्स बहुत है, इस पर्सन के अपनी लाइफ से उम्मीदें बहुत है. ये मे बी बहुत मटेरियलिस्टिक है या बहुत मनी माइंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है. इनको ओवर अचीवर है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है. अगर ऑलरेडी इनके पास बहुत कुछ है ना, इनको लाइफ में और बहुत अचीव करना है. ठीक है, तो ये लाइफ में अपने कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, स्पेशली अपने करियर से, अपने फाइनेंसिस से. तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से ये कई बार आपको इग्नोर कर देते हैं अपने करियर की वजह से, क्योंकि ओवर अचीवर है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत से गोल्स हैं, बहुत सी ड्रीम्स हैं, सपने हैं जिनको इस पर्सन को पूरा करना है. और उस रेस में ये पर्सन यू नो एक लीडर बनने की रेस में ही आपको पीछे छोड़ देते हैं. व्हाई इज द हायरोफेंट हियर? ओके, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. इनको लगता है ये लाइफ में ना सब कुछ पा सकते हैं, इसीलिए ये आपके साथ बहुत रिस्क लेते हैं. ठीक है, इनको लगता है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं या कुछ भी छोड़ सकते हैं, यू नो. और उसी ओर में ये पर्सन कई बार आपको छोड़ देते हैं, पीछे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है ना आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर इमोशनल हो, आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के लिए. उसी चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं, रिस्क लेते हैं बहुत ज़्यादा. मैनी अ टाइम्स आपको ये फील हुआ होगा कि इंसान जानता है कि मैं कितनी स्पेशल हूँ या मैं कितना स्पेशल हूँ, उसे मेरे बाद मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं आपके साथ. क्योंकि मैंने बोला ना ये पर्सन ओवर अचीवर है, इनको कुछ अच्छा मिल जाए ना ये उस चकाचौंध में गुम हो जाते और जो है ज़िंदगी में उसे खो देते हैं या उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं. ठीक है, वाइज पेज ऑफ स्वर्ड्स हियर. ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स को यहाँ पे मनाज मैन क्लैरिफाई कर रहा है. देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कई बार ना हमारी सोच हमारी मैनिफेस्टेशन बन जाती है. ये इतना सोच रहा है आपके बारे में कि लिटरली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आपको मतलब इनकी आवाज़ में कोई आपको पुकार रहा है या कुछ आपको फील हो रहा है, यू नो कुछ खींच रहा है आपको इनकी तरफ, वो इनकी मैनिफेस्टेशन होती है. ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में और ये बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिव होकर नहीं सोचते या होपलेस होकर नहीं सोचते. जो भी सोचते बहुत कॉन्फिडेंटली सोचते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, कॉन्फिडेंटली करो, ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे, पूरा आपका डिवाइन पे. ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको. ठीक है, अनइंटेंशनली दे मैनिफेस्टिंग यू. यस, यूनियन होना ही होना है क्योंकि डिवाइन चाहता है. आप दोनों का एक डिवाइन यूनियन होने वाला है बहुत जल्द. ओके, वाइज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? क्यों है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन की आंखों पे कोई पट्टी बंधी थी जिसकी वजह से ये आपके साथ सही से पेश नहीं आ रहे थे, वो पट्टी हट जाएगी, कोई क्लैरिटी आएगी, कोई चीज़ इनको अचानक से समझ जाएगी कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, ये सही है ये गलत है. ठीक है, किसी की चालाकियाँ इनके सामने आने वाली है. अगर कोई इनके लाइफ में था जो इनको आपके खिलाफ भड़काता था, उनकी रियलिटी इनके सामने आने वाली है. ठीक है, फाइनली दे विल अंडरस्टैंड कि आप सही हो, वो पर्सन गलत थे. ठीक है, उन्होंने आपको गलत समझा.
बिकॉज आप थे ही नहीं वैसे, इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। देखो वैसे तो देखा जाए तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी इन्होंने आपको गलत समझा, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी की बातों में आके या अपनी गलत सोच के चलते। बट इनके सामने ना फाइनली रियलिटी आने वाली है, और अगर ये आपको किसी भी तरह से चीट कर रहे हैं, आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो रियलिटी भी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। ओके, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो आपसे प्यार ही नहीं करते, एक दिखावा है, इट इज़ नॉट ट्रू। ये बस दिखावा कर रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं कि इनके अंदर आपको लेकर प्यार नहीं है। और हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँ आपको, ये पर्सन पहले जैसे थे डेफिनेटली अब वैसे नहीं रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बदलाव आप इनके अंदर देखने वाले हो, ठीक है। हाँ ये पर्सन थोड़े मेच्योरिटी भी आई है इनके अंदर, थोड़े इमेच्योर जो थे वो कम हुई है इमेच्योरिटी इनकी, और आगे आगे आप देखोगे कि आपके लिए एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे, इनके अंदर आप अलग ही लेवल पे बदलाव देखने वाले हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे आप इनको, जो आपके लिए ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इनके लव मैसेजेस देखते हैं, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, व्हाट आर देयर लव मैसेजेस फॉर यू, क्या लव मैसेजेस है इस पर्सन के, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं हमें ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, करेंटली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सी सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन आपके बॉडी का बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, फिर से अगेन फिजिकल अट्रैक्शन, या आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या आपसे आपको प्यार शो करना चाहते हैं, ठीक है। नथिंग एल्स मैटर्स, अभी इनके लिए और कुछ मैटर नहीं करता है, इनका ईगो भी मैटर नहीं करता है, आप मैटर करते हो। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, डेफिनेटली इनको पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो इनका हार्ट डेफिनेटली आपको बिलोंग करता है, ये आपसे प्यार करते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो ऐसा ये मानते हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद पे ब्लेम ले रहे हैं इस रिश्ते में जो भी गलत हुआ है उसको उसको लेकर। डोंट बी इनसिक्योर, ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, आप इनसिक्योर ना हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो हो सकता है इन्होंने आपके बारे में किसी से बताया हो। अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या इस पर्सन ने मेरे बारे में किसी से कहा है, बताया है, शेयर किया है, यस किया है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, आपको क्या जानना समझना क्या ज़रूरी है आपके लिए, आपके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। फेदर, देखिए आपको अगर आप इस पर्सन को जज कर रहे हो या इनको लेकर कोई धारणा बना रहे हो, तो प्लीज़ 10 बार सोचो और फिर धारणाएं बनाओ। बेफिजूल किसी के बारे में कोई धारणाएं नहीं बनानी है आपको, स्पेशली इस रिश्ते के बारे में, ओके। यस, आपको अपने बॉडी की, अपनी हेल्थ की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मे बी अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, या मे बी अगर ये रिलेशनशिप को लेकर ये मैसेज आया ना, मे बी आपकी बॉडी समथिंग जो आपको इनसिक्योर करती है, तो या वर्क ऑन इट। पतले हो तो देखो, जैसे भी आप हो, आप ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर आपको लगता है फिट नहीं हो या आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगता अपने बॉडी में, तो चेंज योर बॉडी, आपके हाथ में है, ठीक है। यस, अगर आपको कहीं पे भी इस रिलेशनशिप में खतरा महसूस होता है, डेफिनेटली आपको इस रिश्ते को फिर टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, या कोई भी और रिश्ता है आपकी लाइफ में जिसमें आपको बहुत सिक्योर नहीं फील होता, जस्ट लीव इट। कोई ज़रूरत नहीं है कि उस रिश्ते में आपको रहना ही है, कंपलसरी नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, अगर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी अगर तूफान आए हैं, तो तूफान के बाद एक सुकून भी मिलेगा आपको, डोंट वरी, सब ठीक होगा। क्योंकि कोई तूफान हमेशा के लिए नहीं चलता, वो ख़त्म होता ही है, तो आप डरो मत, जो भी चल रहा है टेम्पररी है सिचुएशन, ठीक है। कैसे लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।